बीजेपी पार्टी ने 2024 में 51 प्रत्याशी उतार कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। इस बार हमारे साथ जुड़े हुए परमेश्वर लाल सैनी 2019 में भी चुनाव लड़ चुके हैं, बीजेपी पार्टी ने दोबारा इनको चुनावी मैदान में उतारा है। बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या किस रणनीति के तहत इस बार ये चुनाव लड़ेंगे। 2019 में भी परमेश्वर लाल सैनी बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। सर, यूपी सरकार का बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। 2024 में दोबारा बीजेपी पार्टी ने आपको चुनावी मैदान में उतारा है, तो क्या मानते हैं किस तरह से आपकी रणनीति रहेगी? केंद्रीय नेतृत्व में मुझे मेरे ऊपर विश्वास किया है और मैं इस विश्वास पे खरा उतरूंगा और कार्यकर्ताओं के बल पर मैं इस बार 2024 में कमल खिलाऊंगा। 2019 में क्या ऐसी खामियां रह गई थी आपकी तरफ से जो इतने ज्यादा वोटों से हार जीत? नहीं, इस बार जो है सभी लोगों का, हर समाज के लोगों ने मन बना लिया कि इस बार यहाँ से संभल से कमल खिलाना है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि 195 जो उम्मीदवार बीजेपी पार्टी ने उतारे हैं ये यहीं तक ही सिमट कर रह जाएगी, इस पर आपका क्या कहना है? ये देखिए, समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी मंत्र है। लोगों ने देख लिया कि उनके कार्यकाल में क्या क्या था। आज हर व्यक्ति, हर समाज के लोग, गरीब हो चाहे कोई भी हो, हर समाज का एक ही व्यक्ति कहता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री पुनः बनने चाहिए। संभल ज्यादातर ओबीसी बाहुल्य वोट माना जाता है, यहाँ पर इनके लिए क्या रणनीति रहेगी? नहीं, हमारे यहाँ पर सर्व समाज की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका सम्मान होना चाहिए। सब ने समाज ने तय कर लिया है कि इस बार कड़ी मेहनत कर करके यहाँ से बम्पर वोट से कमल खिलना है। पिछली बार आपका मुकाबला सभी को रमन बर्क से था, अब वो नहीं रहे। अब कोई मुकाबला किसी पार्टी का नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक ही है, कमल खिलना है। अब उनके पोते जिया और रहमान टिकट मांग रहे हैं, क्या माना जाए कि अगर वो चुनावी मैदान में उतरेंगे तो कितना आप? कोई भी विपक्ष का कोई भी प्रत्याशी आ जाएगा, वो कुछ भी लड़ाई में भी नहीं है। वो यहाँ से कमल खिलना है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। संभल की जनता का कहना है कि नरेंद्र मोदी के गले में जो मोतियों की माला पड़ेगी उसमें एक मोती परमेश्वरी लाल सैनी का होगा। जनपद संभल से अनूप कुमार, यूपी तक।